नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रॉय है और मैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था से हूँ। आज मैं बच्चों के लिए एक नया मजेदार खेल लेकर आई हूँ। इस खेल का नाम है शब्दों का रिश्ता। यह खेल बहुत आसान है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बच्चों के साथ यह खेल कैसे खेलना है। आप बच्चों को बताइए कि आप उन्हें एक शब्द बोलेंगे और उन्हें उस शब्द से जुड़ा हुआ कोई दूसरा शब्द बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने शब्द बोला पानी। अब क्योंकि आपको बच्चों को खेल समझाना है, तो आप खुद ही पानी से जुड़ा हुआ कोई शब्द बोलिए, जैसे प्यास। अब बच्चे को पानी और प्यास का रिश्ता समझाते हुए बताएं कि क्योंकि प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे को समझ आ जाए तब आप उससे आपके द्वारा बोले गए दूसरे शब्द प्यास से जुड़ा हुआ कोई और शब्द बोलने को कहें। मान लीजिए बच्चे ने कहा गर्मी, क्योंकि गर्मी में हमें प्यास लगती है। तब आप बोल सकते हैं धूप, क्योंकि गर्मी में धूप तेज होती है। बच्चे का जवाब हो सकता है सूरज, क्योंकि सूरज की वजह से धूप होती है। है ना मजेदार खेल? लेकिन आप ध्यान रखें कि बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है और उनकी कोशिशों की सराहना करना भी। इस खेल से बच्चों के सोचने की ताकत बढ़ती है और वे अलग अलग शब्दों के बीच के जुड़ाव को भी समझ पाते हैं। इस खेल को खेलने से बच्चों के शब्दों के खजाने में नए नए शब्द भी शामिल होते हैं। इस खेल की सुंदरता यह है कि इसे आप घर पर ही आराम से बैठे हुए या फिर कोई काम करते हुए भी खेल सकते हैं। आप रोज किसी भी नए शब्द से शुरू कर इस आसान से खेल को खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको और बच्चों को यह खेल अच्छा लगेगा। मैं जल्द ही एक और ऐसे ही मजेदार और रोचक खेल के साथ आपसे फिर बात करूंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।